हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं एकदम नए तरीके की सोया मंचूरियन की रेसिपी लेके आई हूँ, ग्रेवी वाली। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही लाजवाब होती है और बहुत ही कम खर्च में आसानी से बन जाती है। तो बस देर नहीं करते हैं, चलिए बनाते हैं सोया मंचूरियन। इसके लिए देखिए, तो सोया चंक को हम बहुत ही अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने 2 बाउल सोया चंक्स लिया है। तो मैं देखिए यहाँ पर पानी से, 1 से 2 पानी में बहुत ही अच्छे से इसको साफ़ कर लूँगी। तो बहुत ही लाजवाब और एकदम नए तरीके की रेसिपी है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये देखिए, मैंने इसको साफ़ कर लिया है। और अब इधर देखिए, गैस पे मैंने कढ़ाई रख दिया है और इसको मैंने डाल दिया है कढ़ाई में। तो सबसे पहले हम इसमें सोया डाल देंगे। तो ये देखिए, मैंने सोया डाल दिया है। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसानी से। यहाँ पर देखिए, मैंने 2 से 3 प्याज डाल दिया है, और अगर आपके पास बड़ा वाला प्याज है तो 2 प्याज काफ़ी है। और यहाँ पर देखिए, मैंने टमाटर भी डाल दिया है, और ये देसी टमाटर है। और ये मैंने हरी मिर्च डाल दिया है। लहसुन की भी मैंने 5 से 6 कलियाँ डाल है। और अब आपको पानी डालना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पानी डाल दिया है, और देखिए मैंने पानी डाल दिया है। अब हम इसे बॉयल करेंगे और इसको हम सिर्फ 5 मिनट के लिए ऐसे पकाएंगे, ताकि ये जो सोया है बड़ी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो बस 5 मिनट के लिए हम इसे बहुत ही अच्छे से पका लेंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे से सोया बड़ी ये सॉफ्ट हो चुकी है। और ये देखिए, सबसे पहले हम ये सोया बड़ी को निकाल लेंगे एक बर्तन में। तो बस देखिए, हमने सोया बड़ी को ऐसे निकाल लिया है। ये देखिए, सारे सोया बड़ी को हमने इस तरह से निकाल लिया है। और ये प्याज और ये टमाटर और हरी मिर्च है, तो सबसे पहले हम टमाटर को ऐसे छील लेंगे। तो अब इसे हम प्याज और टमाटर हरी मिर्च को ठंडा करेंगे। तो ये इधर ठंडा हो रहा है, तो आगे के प्रोसेस में सोया चंक्स है, इसको हम पानी जो है बहुत ही अच्छे से आपको निकाल लेना है, हाथों से ऐसे निचोड़ लेना है सारे सोया चंक का पानी। तो बस देखिए, इस तरह से हमने सोया चंक को ऐसे निकाल लिया है, इसमें एकदम पानी नहीं है। और इधर मैंने प्याज और टमाटर को कट कर लिया है, लहसुन हरी मिर्च, तो इसे ठंडा करना। इसे मिक्सर के जार में मैंने डाल दिया है और इसका हमने पेस्ट बना लिया है। और ये देखिए, इधर मैंने जो सोया चंक्स लिया था, इसमें हम कुछ मसाले मिलाएंगे। सबसे पहले देखिए, हमने धनिया पाउडर मिला दिया, तो इसको हम मैरिनेट करेंगे। इसके लिए देखिए, हमने यहाँ पर 1 चम्मच मैंने चाट मसाला डाल दिया है। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब बनती है। और अब हम डालेंगे चिली सॉस, तो इससे ये बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसमें अदरक लहसुन का भी पेस्ट पड़ा हुआ है। और ये देखिए, ये कॉर्नफ्लोर है, इसे हम 4 चम्मच लिए हैं। और इसको हम थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, मैंने नमक भी डाल दिया है। और इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। आप ऊपर नीचे करके अच्छे से टॉक्स कर लीजिएगा, ताकि जो है सारी चीज़ जो बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए। पहले हमको ये सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये मैंने कॉर्नफ्लोर जो लिया था, उसे हम थोड़ा थोड़ा करके बहुत ही अच्छे से मिलाएंगे, और 10 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे। तो देखिए, हमने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है और 10 मिनट के लिए इसे हमने छोड़ दिया है। इधर देखिए, मैंने लहसुन, अदरक, प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, शिमला मिर्च, और ये देखिए जो मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन का पेस्ट बनाया था, ये टमाटो सॉस है और ये कॉर्नफ्लोर है। तो बहुत ही इजी, बहुत ही आसानी से ये सोया मंचूरियन बनता है, ग्रेवी वाला। तो ये इसका देखिए, कॉर्नफ्लोर का मैंने घोल अच्छे से तैयार कर लिया है। और अब आगे के प्रोसेस में, तो यहाँ पर देखिए, गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है और इसमें हम ऑयल डालेंगे। तो ये देखिए, मैंने ऑयल डाल दिया है। आपको यहाँ पर ऑयल को बहुत ही अच्छे से, जब ये गर्म हो जाएगा तब ये जो सोया चंक्स है इसे हम डालेंगे। तो पहले एक आप डाल दीजिए, जब ये बहुत ही अच्छे से गर्म हो जाए तब ये आप सोया चंक्स डालिए। और गैस का फ्लेम आप मीडियम रखिए। शुरुआत में आपको गैस का फ्लेम आपको हाई रखना है, फिर गैस का फ्लेम आपको मीडियम रखना है, तभी ये जो सोया चंक्स हैं बहुत ही अच्छे से फ्राई होंगे। तो बस देखिए, इस तरह से हम इसको डाल के फ्राई करेंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब ये सोया मंचूरियन बनता है, ग्रेवी वाला। तो बस देखिए, इस तरह से हम
जब एक तरफ से बहुत ही अच्छे से सिक जाएगा तब हम ऊपर नीचे करके इसको उलट पुलट लेंगे। तो अब देखिए इसका कलर आपको दिख रहा होगा, गोल्डन ब्राउन हो चुका। तो इसे तब तक फ्राई करना है जब तक ये बहुत ही अच्छे से पक न जाए। तो ये देखिए अच्छे से पक चुका है। और अब हम इसका अतिरिक्त तेल सूखने के लिए टिश्यू पेपर लेंगे, और ताकि ये जो तेल है एक्स्ट्रा निकल जाए। तो बस इसी तरह से जो भी सोया चंक्स है हम इसे बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो है तेल अच्छे से गर्म हो, फिर गैस का फ्लेम आपको मीडियम रखना है, और बहुत ही अच्छे से ये सोया चंक्स को आपको फ्राई कर लेना है। तो ये सोया चंक्स बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब आगे के प्रोसेस में इधर देखिए मैंने लहसुन और अदरक लिया है, इसे हम चॉप करके उसे डाल देंगे। तो देखिए मैंने अदरक और लहसुन को डाल दिया है, और इसे आप बहुत ही अच्छे से फ्राई करेंगे। तो ये देखिए जब 1 से 2 मिनट में ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाएगा तब हम इसमें प्याज डालेंगे। तो बहुत ही जल्दी बहुत ही ईजी तरीके से ये सोया मंचूरियन बनता है। तो ये देखिए मैंने प्याज और हरी मिर्च इसमें डाल दिया है, और ये देखिए मैंने प्याज और हरी मिर्च इसमें डाल दिया है। इसमें मैंने एक प्याज डाला है। तो बस ये देखिए ये भी प्याज भी आपको दिख रहा होगा कि बहुत ही अच्छे से भुन के रेडी हो चुका है। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर मीडियम रखा है, और इसे हम बहुत ही अच्छे से भुनेंगे। तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये भी बहुत ही अच्छे से भुन चुका है। तो अब हम जो प्याज टमाटर और शिमला मिर्च जो हमने बड़े साइज़ में कट करके रखा है उसे हम डालेंगे। तो ये देखिए मैंने इस तरह से प्याज कट करके रखा है, आप बड़े प्याज को अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने प्याज हरी मिर्च शिमला मिर्च और टमाटर जो मैंने बड़े साइज़ का कट करके रखा है इसे डालेंगे। तो इसे बहुत नहीं पकाना है, इसमें थोड़ा सा क्रंचीपन रहेगा इतना हमें इसे पकाना है। और अब हम जो इसका पेस्ट तैयार करके रखे थे वो हम डालेंगे। तो सबसे पहले हमने देखिए टमाटो सॉस डाल दिया है, तो इसमें 2 बड़े चम्मच मैंने टमाटो सॉस डाल दिया है, और इसे हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मैंने टोमेटो सॉस डाल दिया है, और जो मैंने प्याज लहसुन और हरी मिर्च का जो पेस्ट मैंने बनाया था टमाटर का उसे हम डाल देंगे। तो बहुत ही इजी तरीके से सोया मंचूरियन बनता है, तो आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल का बनता है। तो बस देखिए इसे भी हम अच्छे से भुनेंगे। तो ये पेस्ट जो ये चटनी बनी थी ये पहले से काफ़ी अच्छे से पक चुकी है, और इसे हम बहुत ही अच्छे से भुनेंगे। बहुत ही लाजवाब ये मंचूरियन बनती है, तो शाकाहारियों के लिए तो ये बहुत ही अच्छी डिश है। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा, जो नॉनवेज खाते हैं उन्हें भी ये ज़रूर पसंद आएगी। तो बस देखिए ये बहुत ही अच्छे से भुन चुका। अब हम यहाँ पर 2 बड़े चम्मच सोया सॉस डालेंगे। तो ये देखिए मैंने 2 बड़े चम्मच सोया सॉस डाला है। आप इसमें विनेगर डाल सकते हैं अगर आपके पास सोया सॉस नहीं है, लेकिन सोया सॉस डालेंगे तभी ये बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच सोया सॉस डाल दिया है, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और अब हम इसमें नमक डाल दें। तो देखिए अब मैंने इसमें भुना हुआ जीरा डाल दिया है। अब ये देखिए हम भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, और अब हम डालेंगे थोड़ा सा 1 चम्मच गरम मसाला। तो बस इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच मैंने गरम मसाला डाल दिया है, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऊपर नीचे करके हम सारे ग्रेवी को मिक्स करेंगे। अब जो कॉर्नफ्लोर का घोल तैयार किया है उसे हम डाल देंगे। तो ये देखिए मैंने कॉर्नफ्लोर का घोल तैयार किया है, और इसे हम चला के डालेंगे ताकि ये गुठलियाँ ना बने, तो इसलिए हम इसे चला के डालेंगे। तो ये ग्रेवी देखिए काफ़ी अच्छी गाढ़ी हो चुकी है, और जो सोया चंक्स मैंने फ्राई करके रखा है अब हम इसे डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी बहुत ही लाजवाब ये सोया मंचूरियन बनती है, तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही लाजवाब होती है। तो बस इसे हम मिक्स कर देंगे, और 1 से 2 मिनट हम अच्छे से पकाएंगे ताकि जो सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो देखिए ये बहुत ही अच्छे से पक के रेडी हो चुका है, और अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है, और बहुत ही लाजवाब ये सोया मंचूरियन बन के रेडी हो चुका है। तो ये देखिए अब हम इसे सर्व करेंगे। तो देखिए बहुत ही लाजवाब और बहुत ही टेस्टी बनी है, आपको दिख रही होगी। ये बहुत ही आसानी से घर पे बनाया जा सकता है, और बहुत ही इजी तरीके से। तो आई होप कि आपको सोया मंचूरियन की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, ग्रेवी वाली। थैंक यू फ्रेंड।